देखा गया कि सरकार ही राहुल गांधी के खिलाफ एकदम से माफी की मांग करने लगी और एक संसद की कार्रवाई हो नहीं पाई। इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है पार्लियामेंट में, जरूरी मुद्दे हैं जो डिस्कस होने हैं, वो हो नहीं पा रहे, कैसे आप? हमारी मांग क्या है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट में जो प्रश्न उपस्थित हुए हैं उसका सरकार उत्तर दे, जेपीसी बनाए, जेपीसी के माध्यम से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिन्होंने नियमों का पालन किया है और कानून का पालन किया है, उन्हें डर किस बात का है? मैं तो यहां तक कहूंगा कि ये प्रधानमंत्री जी को स्वयं जेपीसी अपॉइंट कर देना चाहिए, ताकि जो एक बदनामी उनकी हो रही है उससे उनको मुक्ति मिलेगी। लेकिन जिस तरह से कि इस मुद्दे को चर्चा में ना आए उसके लिए ये जो हो रहा है, मैं इतना ही कहूंगा कि एक मुहावरा है, मैं पहला शब्द नहीं बोलूंगा, कहीं ना कहीं दाढ़ी में तिनका है, कहीं ना कहीं दाल में काला है, जिसकी वजह से नहीं हो रहा है। कहा जा रहा है बार बार कि विदेशी धरती में बदनाम कर दिया भारत को। ऐसा विदेशी धरती, मोदी जी भूल जाते हैं कि मेरे पास 8 प्रमाण हैं जहां विदेशी धरती में उन्होंने पूर्व की सरकारों को, जिसमें से अटल जी की सरकार थी, उनको उनके खिलाफ वक्तव्य दिए हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, सारी गंदगी सफाई करने का मौका वो उन्हें मिला है। तो ये खुद पर जो है वो उस पर वो उस बात पर उनको जानकारी नहीं है क्या, जिस प्रकार से उन्हें हुई है? और इसमें स्वयं अरुण जेटली जी ने राज्यसभा में इस बात को कहा है कि हाँ, इसके पहले प्रमाण है, इमरजेंसी के जमाने में जो लोग विरोधी थे, समाजवादी लोग, तो उन्होंने खुद ने जाके विदेश में भी बात कही थी। और आज के तकनीकी युग में जो बात आप मुझसे भी कर रहे हैं, अगर लिंक अगर है तो उसमें विश्व का किसी कोने में देखा जा सकता है। तो कौन सी बात राहुल गांधी जी ने ऐसी कही है जो उन्होंने भारत में नहीं कही है और सब प्रमाण कही है?